भाजपाइयों ने क्षेत्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद राय के नेतृत्व में मंगलवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर गोलघर काली मंदिर स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद राय ने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर उनके प्रतिमा पर मल्हार पर किया गया। आज जो संगठित भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का देश के प्रति योगदान रहा है, वही योगदान पीएम मोदी का 2014 से भी अधिक तक देश के प्रति है। उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में भारत का नाम हुआ है और भारत संगठित भारत के रूप में दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने स्टेचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण करवाया। जयंती के अवसर पर हम सभी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद राय ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जन्म जयंती के अवसर पर हम पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और निश्चित रूप से आज जो संगठित भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान रहा और हम भारतवासी, हम सब लोग उनकी आज इस जन्म जयंती अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का हम सब लोगों ने काम किया है। मुझे लगता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में जो योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है उसी के साथ आज इस देश के भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एकता और अखंडता का सूत्र में पिरोने का काम 2014 से लेकर अब तक प्रारंभ है और उसी का परिणाम है कि आज भारत का दुनिया में साख बढ़ी है, भारत संगठित भारत के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे अवसर पर एक बार पुनः हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इनके नाम पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण कराया है, मुझे लगता है कि उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी एक उनके जन्म जयंती पर नमन करने के लिए उनके प्रति आदर के साथ हम सब उपस्थित हैं। इस नाते एक बार पुनः मैं आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई पूरे भारतवासियों को।